हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं कॉलेज मेकअप लुक। आज जो मेकअप लुक मैं करने वाली हूँ ना, जो ये कॉलेज मेकअप लुक है, अगर मैं मेरे कॉलेज टाइम में अगर मुझे मेकअप का थोड़ा बहुत नॉलेज होता तो मैं डेफिनेटली ये वाला करने वाली थी। तो सबसे पहले तो मैं अपनी स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए टोनर यूज़ कर रही हूँ। टोनर में गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं लैक्मे की सन एक्सपर्ट PA SPF 24 डबल प्लस सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ और टू फिंगर रूल के अकॉर्डिंग ही मैं इसे अप्लाई करूँगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये वाली सनस्क्रीन बहुत अच्छी एज ए सनस्क्रीन, ये बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब हम इसे अंडर आईज, मतलब आईज के राउंड अगर मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ ना, तो ये बहुत ज़्यादा यू नो इरिटेट हो जाती है आईज और एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बर्न होता है आईज के। उसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ 9 to 5 लैक्मे की सीसी क्रीम। मैं इतना सा अमाउंट ले रही हूँ। ये वाली जो सीसी क्रीम है ना, ये थोड़ा सा टिंट भी दे देती है और मॉइस्चराइज भी कर देती है स्किन को। एज यू कैन सी कि मेरी अंडर आइज पे ना थोड़ा सा यू नो डार्कनेस है, तो मैं वहाँ पे थोड़ा अच्छे से अप्लाई करूँगी। बट जो लिड है, आईलिड है, वहाँ पे अप्लाई मैं नहीं करूँगी, उसको वैसे छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं इनसाइड का मिनरलाइज्ड प्रेस्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। बेसिकली ये कॉम्पैक्ट पाउडर है। ये वाला कॉम्पैक्ट पाउडर मैं इसीलिए यूज़ कर रही हूँ, एक तो ये थोड़ा सा कवरेज दे देगा और ऊपर से ये वाला जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ना, ये विद SPF 24 है, जो कि मुझे सन से भी प्रोटेक्ट करेगा। और मेरी ऑयली स्किन है तो स्किन को ऑयली भी नहीं रहने देगा, ऑयल को भी अब्सॉर्ब कर लेगा। एंड एज यू कैन सी, मैंने एक ही साइड अप्लाई किया है, दोनों में डिफरेंस आप इजीली देख सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप, जो बहुत ही फेवरेट स्टेप है हम लड़कियों का, वो है ब्लश। ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लू हेवन का सिल्क एंड स्टेन इन द शेड इज रेसबेरी लव। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है बाय द वे, एज यू कैन सी। और मैं इसे फिंगर्स की हेल्प से ही ब्लेंड कर रही हूँ, बिकॉज ये ना लगाते ही ड्राई हो जाता है। इसको जब आप अप्लाई करो ना, उसी जस्ट उसी टाइम इसको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको यू नो वो कोई मेकअप समझ में नहीं भी आ रहा है, तो आप जस्ट ये वाला ब्लश भी अप्लाई कर सकते हो। जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं, सारे के सारे अफोर्डेबल हैं। टीनेजर्स बहुत ईजिली इन्हें यू नो यूज़ कर सकते हैं और उनके बजट में भी होगा ये। उसके बाद में एज यू कैन सी, मेरी आईब्राउज ना के बराबर हैं स्टार्टिंग से ही, इसलिए मुझे आईब्राउज को भी फिल करना पड़ता है, थोड़ा सा शेप देना पड़ता है। इसलिए ब्लू हेवन का स्कल्प्टेड एंड सेट ब्राउ जेल ही यूज़ कर रही हूँ विद विटामिन B5 आई थिंक, मैंने ठीक से देखा नहीं। इसे ना बहुत इजी हो जाता है आईब्राउज को सेट करना। यार अगर आप आईब्राउ जेल नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप कोई भी यू नो अफोर्डेबल आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हो। मेरा इसमें शेड ब्राउन है। मुझे आईब्रोज सेट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज गंजी आईब्रोज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपकी आईब्रोज हैं थोड़ी बहुत जो दिखती हैं, विजिबल है, तो आप इसे इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में ऑनेस्ट, मेरा ऑनेस्ट मेकअप जो मैं कॉलेज में करती थी, लैक्मे का आइकॉनिक काजल, इसको मैं कभी स्किप नहीं करती थी। मैं मेकअप में सिर्फ यही यूज़ करती थी और सिर्फ लिप बाम यूज़ करती थी जब मैं कॉलेज में थी। ये वाटर प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है और स्वच्छ प्रूफ भी है, इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो इस मेकअप को इतना भी रख सकते हो आई मेकअप को, लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ तो मेरे कॉलेज में लड़कियाँ लाइन भी अप्लाई करके आती थी बेसिकली। और मैं जो वो उस जमाने में जो लाइनर अप्लाई करती थी ना, जिस तरीके का मैं आज वही अप्लाई करने वाली हूँ, उस जमाने का मेरा मतलब है 2018-19 से, और इट्स 2023, तो बहुत कुछ चेंज आ गया है। उस टाइम में ना लाइनर ऐसे ना पड़ा हुआ सा फ्लैट सा विंगर लाइनर लगाती थी लड़कियाँ। और उसके बाद में मैं इनसाइड का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। अगर उस टाइम में मुझे, मेरे कॉलेज टाइम में अगर मुझे मेकअप करना होता, तो मैं लाइनर और काजल स्किप कर सकती थी, मैं मस्कारा नहीं स्किप करती। नेक्स्ट स्टेप लिपस्टिक है। अगर आप लिपस्टिक के साथ में कंफर्टेबल फील करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी फेवरेट लिपस्टिक अप्लाई कर लें। लेकिन ऑन दैट टाइम ऑनेस्टली मैं लिपस्टिक से कंफर्टेबल नहीं हूँ कॉलेज लुक में। सो मैं यहाँ पे जो लिप एंड चिक टिंट मैंने चिक्स पे अप्लाई किया था, मैं उसको एज अ लिप बाम एज अ लिपस्टिक अप्लाई कर लूँगी। और ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, कुछ ज़्यादा ही है ये। एज यू कैन सी कि मैंने अभी तक कोई भी हाइलाइटर अप्लाई नहीं किया है। हाइलाइटर मैंने इसीलिए अप्लाई नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ पे ब्लू हेवन का लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्स यूज़ करने वाली हूँ। इसको अप्लाई करने के बाद ना ऑटोमेटिकली ये आपके यू नो फेस के ऊपर एक हाइलाइटर जैसा ग्लो दे देता है। और फिलहाल इस लुक के लिए तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अलग से कोई हाइलाइटर अप्लाई करना चाहिए।
हेयर इज़ द फाइनल लुक। इस लुक में मैंने बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, और कॉलेज नया नया स्टार्ट होने वाला है, नया नया कॉलेज का चस्का लगने वाला है लड़कियों को, तो आप ये वाला मेकअप लुक करके जा सकते हो। एंड मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट सभी लड़कियों को जो नया नया कॉलेज ज्वाइन करने वाली है। कॉलेज लाइफ को एंजॉय करना यार, मेरी तरफ बोरिंग मत बना के रखना। एंड या दैट्स इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना।